हेलो दोस्तों, 1 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज माँ जगदम्बा के पूजन करने के लिए पहुंच चुके हैं माँ जगदम्बा स्थान। तो दोस्तों, ये नरौली में पड़ता है, तो नरौली पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं ठंड के कारण सिमरन जी यहाँ पे बैठ चुके हैं आग तापने के लिए। तो दोस्तों, हमने जो है प्रसाद ले लिया है, मैं, भाभी और भैया और मेरी बहन है। तो दोस्तों, प्रसाद लेकर चल रहे थे और देख सकते हैं कि अंदर पहुँचने के बाद देखे कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और सभी जो है पूजन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो हम भी लाइन में लग चुके हैं और बहुत टाइम के बाद जो दोस्तों वो क्षण आ चुका था जहां माँ जगदम्बा के दर्शन होने वाला था, तो उसके गेट पे पहुंच चुके थे। तो देख सकते हैं यहां पे कितना ज़्यादा भीड़ है और यहां पे जो चंदा भी जमा होता है दोस्तों, जो अपना योगदान देना चाहते हैं मंदिर में तो वहां पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मंदिर का ये वो स्थान है जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं पूजन करने के लिए। तो ये माँ जगदम्बा का प्रतिमा का टुकड़ा है दोस्तों, जो यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है दर्शन के लिए। तो दोस्तों, बाहर निकलते हैं, एक दादा मिल गए थे जो पहचान के थे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी कितना ज्यादा भीड़ है दोस्तों, जब हम पूजा कर चुके हैं, और देख सकते हैं अभी भी कितना लंबा लाइन लगा हुआ है मंदिर के चारों तरफ। तो यहाँ पे जल के बीच विष्णु भगवान को स्थापित किया गया है और यहाँ पे ब्रिज के जो है जड़ को पूजा किया जाता है, क्योंकि बहुत ही पुराना वृक्ष यहाँ पे थे और शुरू से ही है। तो दोस्तों, चलते हैं यहाँ पे नारियल को फोड़ने के लिए, क्योंकि नारियल फोड़ने का जगह जो है कुएं के पास में है। तो पहले तो यहाँ पे माता के पास में फोड़ा जाता था, बट अभी वहाँ पे नहीं फोड़ा जाता है। तो चलते हैं फोड़ने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे नारियल फोड़ने का सिलसिला जारी है और सभी लोग जो है यहाँ पे नारियल फोड़ते हैं। तो हम भी मिलकर यहाँ पे नारियल फोड़ लेते हैं, क्योंकि सिमरन जी जो है पूरी तरह से हर तरह का पूजा जो है कर लिए हैं। तो यहाँ पास में एक कुआं है, तो कुआं का भी पूजा किया जाता है और हवन कुंड पास ही में है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग जो है कुआं को पूजा कर रहे हैं और जो कच्चे धागे होते हैं उसे भी यहाँ पे बांधा जाता है और बांध कर जो मांगते हैं मनोकामना वो पूर्ण होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हम भी पूजन कर लिए थे और अगरबत्ती था वो भी जला लिए थे और हवन कुंड में चलते हैं। तो देख सकते हैं कि हवन कुंड में सभी लोग जो है हुमाद अगरबत्ती जो भी होते हैं पूजन करते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद दोस्तों, हम सबका पूजा जो था संपन्न हो गया था और संपन्न होने के बाद सोच रहे थे कुछ फोटो खींचने के लिए, और फोटो खींचने के लिए यहाँ पे अच्छा अच्छा जगह है। तो देख सकते हैं ये सब जगह जो है माँ जगदम्बा स्थान में ही है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा जगह है। तो देख सकते हैं ये बैठने उठने और जो भी खिलौने खरीदने का सभी सामान यहाँ पे है। तो अब चलते हैं दोस्तों कुछ खाने के लिए। तो सिमरन जी को चाट पसंद है और भाभी भी चाट खाने के लिए बोल रहे थे, तो सभी लोग आ चुके थे मेरे फ्रेंड राजा के पास। तो राजा का इनका यहाँ दुकान है और चाट ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। तो चलते हैं खाते हैं।